को खजाना समझते हैं। हम में से अगर हमें मालूम होगा फलां जगह इतने रुपये हैं, इतना गोल्ड है, इतना ये है, वो खजाना हमारे समझ आता है, उसके लिए कुछ कोशिश करेंगे। इसको हम में से कितने खजाना समझते हैं? हमारी बेहिसी का क्या आलम? इसने क्या पढ़ा पहले, फिर मैं कहीं से कहीं पहुंचा, लेकिन इसने पढ़ा, मैं क्या करूँगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या है? और ये जो हम्द है ना, ये हम अल्हम्द, ये सबसे ऊंचा मुकाम, वहां पहुंचना हरकस और नाकस का काम नहीं है। कुरान को इसी से शुरू किया, अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक इसी से मोहम्मद अहमद मोहम्मद जी। और सबसे ऊंचा मुकाम उनको जो दिया जाएगा उसका नाम भी लिवाउल हम्द, कयामत में जो झंडा दिया जाएगा, जो झंडा दिया जाए उसका क्या नाम? लिवाउल हम्द। और जनतियों का कलाम ये होगा, वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह। ये हमद जो है ये समझना है, एक एक ये जो बाल है ना, एक एक करूँ ये सब मीठा हो जाए, इसमें हकीकी मिठास आएगी। ये हमद ये लास्ट स्टेशन है इस सफ़र का, तब हमद आता है। हम तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है, क्या ठीक है? ओ, समझने की कोशिश कर, ये खजाना है जो न पहले के भी उतरा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसातत से इस उम्मत को नसीब हुआ, और बहुत कम वो खुश नसीब जिन्होंने इस खजाने से इस खजाने को खोज करने की कोशिश की और इसमें से कुछ हासिल करने की कोशिश की। इंसान तो नाशुकरा है, सुबह शाम नाशुकरा, सुबह शाम इन्नल इंसान कफूरा, इन्नल इंसान जदूला जी, करता नहीं करता है, झगड़ा करता है, बोटी नहीं मिलेगी झगड़ा करेगा, रोटी नहीं मिलेगी झगड़ा करेगा। ये चीज़ें हैं हासिल करने की, ये चीज़ें हैं। और हमारा क्या हुआ हाल? हमें अल्लाह जल्ला शानों ने किस अंदाज से फरमाया था, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश्शैतान إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَعَنِ ابْدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَا تَكُونُوا ऊंची आवाज़ से बोलो, अफला तकुनु, तो सोचा आपने? कुरान के अल्फाज पर गौर करो, तो ये तो हम रोज़ पढ़ते हैं सूरह यासीन शाम को, इसमें क्या नई चीज़ है? ये तो रोज़ पढ़ते हैं। उधर अल्लाह ताला इस्तिफ़हामिया क्वेश्चन करके पूछते हैं, क्या सोचा? अफला तकुनु ताकिलु, क्या आपने गौर किया, अकल को इस्तेमाल किया? किस चीज़ का अकल का इस्तेमाल किया? अल्लाह ने क्या फरमाया? अलम आहद इलैकुम, क्या हमने आपसे आहद नहीं लिया था? या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान, तू शैतान की पैरवी नहीं करेगा? अल्ला तअबुदु शैतान वानिबुदुनी, मेरी पैरवी करो, मेरी, ठीक है? कहा था नहीं कहा था? ये हम सुनते नहीं सुनते हैं।
तो हमारी ज़िंदगी में हम किसकी पैरवी करते हैं? हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसकी पैरवी करते हैं? अक्सर देखेंगे शैतान ही की पैरवी करते हैं। जो भी शरीयत के ख़िलाफ़, जो भी शरीयत के बग़ैर, जो भी अवामर इलाही के अल्लाह ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ और उनके मनहियात जिससे मना किया, वो सब शैतान की। कौन इसे खा लिया?